हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ धीरज शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल धीरज शर्मा विज्ञान एजुकेशनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर हमेशा न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐड करते रहता हूं, ठीक उसी प्रकार से आज भी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ प्रेजेंट हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, जिस एक्टिविटी के लिए मैंने एक बोतल लिया हुआ है और इसमें मैंने कोल्ड वाटर भरा हुआ है और इस कोल्ड वाटर में मैंने कुछ ब्लू कलर मिक्स कर दिए हुए हैं। साथ ही एक मैंने दूसरा भी प्लास्टिक बोतल लिया हुआ है, इसके अंदर मैं हॉट वाटर भरूंगा और इस हॉट वाटर में मैं पिंक कलर ऐड करूंगा। ये दो कलर इसलिए हैं ताकि दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड रहें, अलग रहें, पहचान के लिए मैं ये दो कलर्स लिया हुआ। तो चलिए पहले फिल कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक डिस भी लिया हुआ है ताकि फिल करते वक्त वाटर इधर उधर गिरे नहीं। तो यहाँ पर हमने एक बोतल में रेड कलर भर लिया है और दूसरे बोतल में ब्लू कलर भर लिया है। दो बोतल्स हमारे पास हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ब्लू वाला बोतल है इसको हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम इस दूसरे बोतल का रखेंगे जिसके अंदर रेड कलर भरा हुआ है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस बोतल को रेड वाले को ब्लू वाले के ऊपर रखेंगे और फिर देखते हैं क्या हुआ। आपको क्या लगता है, अगर मैं इस रेड वाले बोतल को जिसमें मैंने हॉट वाटर लिया हुआ है, अगर हम इसको पलट कर इसके ऊपर रखेंगे तो क्या आपको क्या लगता है, दोनों वाटर एक दूसरे में मिक्स होंगी या नहीं होंगी? चलिए चेक करते हैं। इसी एक्टिविटी में यही हमें चेक करना है। यहां पर आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में कि मैंने नीचे में जो बोतल लिया हुआ है इसमें कोल्ड वाटर है और कोल्ड वाटर के साथ साथ मैंने कुछ ब्लू कलर मिक्स कर दिए हुए हैं और इसके ऊपर मैंने जो बोतल इन्वर्ट करके उल्टा करके रखा हुआ उस बोतल के अंदर हॉट वाटर है और इस हॉट वाटर में मैंने रेड कलर मिक्स कर दिया हुआ है और इस दोनों बोतल को एक दूसरे के माउथ में ओपन करके मैंने इस तरीके से फंसा दिया। वो आप देख सकते हैं एक बोतल दूसरे बोतल के ऊपर है और इसका जो वाटर है वो इसके वाटर के साथ मिक्स नहीं कर रहा है। नीचे का ब्लू कलर वैसे ही है, ऊपर रेड कलर वैसे ही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से। नीचे का जो बोतल है जिसमें मैंने कोल्ड वाटर लिया हुआ है इसका टेम्परेचर लो है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और जो हॉट वाटर होता है वो हमेशा लाइटर होता है, हल्का हो जाता है। पानी को जब हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसके वजह से हॉट वाटर हमेशा लाइटर हो जाता है कोल्डर वाटर। इसलिए ये हल्का होने की वजह से ये इसके ऊपर ही तैर रहा है लेकिन नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हॉट वाटर जो होता है वो हमेशा लाइटर होता है, हल्का होता है कोल्ड वाटर की वजह से, कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में। इसीलिए दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर इसी दोनों चीज़ों को अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो फिर एक दूसरे में दोनों मिक्स कर जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर मैं इस तरीके से इस चीज़ को ओपन कर दूँ, मैं ऑपरेटर्स को ऐसे सेट कर देता हूँ तो हम देखेंगे, आप देख सकते हैं नज़दीक से धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में मिक्स करने लगे हैं। जो मैंने ऊपर ब्लू वाटर लिया हुआ था वो धीरे धीरे अब रेड के साथ मिक्स करने लगा है। आप समझ सकते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर में जो मैंने वाटर लिया हुआ है ब्लू कलर, वो कोल्ड वाटर था, उसमें कोल्ड वाटर भारी होता है, हैवियर होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ आकर सेटल डाउन होने लगा, नीचे वाले बोतल में सेटल डाउन होने लगा इसमें और इसके साथ मिक्स होने लगा। आप देख सकते हैं ऊपर जो ब्लू कलर का बोतल था वो किस कलर में चेंज होने लगा, धीरे धीरे रेड वाले के साथ मिक्स हो गया और पर्पलिश कलर चेंज होने लगा, पर्पलिश कलर के रूप में। टोटली धीरे धीरे दोनों सेम कलर में हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो बोतल था वो ब्लू कलर का नजर आ रहा था, अब आप किस कलर का नजर आ रहा है, जिस तरीके से नीचे वाला बोतल जिस रंग का है उसी कलर का ऊपर वाला भी हो गया है, क्योंकि ऊपर वाला हैवियर वाटर जो है नीचे की तरफ आने लगा, नीचे का जो
लाइटर था, हल्का वाला वाटर था, वो ऊपर की तरफ आने लगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स करके ऐसे। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।